Welcome to KS Academy. So, इस प्रेजेंटेशन में हम कन्वर्जेंस ऑफ Z ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे. सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उससे हमें Z ट्रांसफॉर्म के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिल जाता है. ठीक है, सो UZ इज इक्वल्स टू UZ जो होगा दैट इज इक्वल्स टू n माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी UN Z माइनस n UN Z माइनस n. ठीक है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, दैट इज Z ऑफ UN इज इक्वल्स टू U of Z, and U of Z का इसने एक फॉर्मूला दे दिया हमें, तो Z ट्रांसफॉर्म हम इंडायरेक्टली निकाल ही रहे हैं, तो n माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी. तो यहाँ एक सिंपल सी बात याद रखना, n माइनस इनफिनिटी से माइनस वन तक, जीरो से ना होकर वन तक, है ना, 4n, 4 की पावर n, Z माइनस n, यही होता है फॉर्मूला यू एन जेड माइनस n. फिर सुन लो, यू एन जेड माइनस एन समेशन एन माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक 4 की पावर एन जेड माइनस एन प्लस समेशन एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी 2 की पावर एन जेड माइनस एन. ये हो गया हमारा नॉर्मल इक्वेशन, हमने बना ली, इसकी अब जरूरत नहीं होगी, इसको देख के बनाइए, क्वेश्चन को भी हटाई देते. अब हम अपना सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब हम अपना सॉल्व करते हैं, जैसे हमें सॉल्व करना है. देखो, इस माइनस इन्फिनिटी को वन को मैं कन्वर्ट करके एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी कर रहा हूँ बाय चेंजिंग माइनस एन इनटू एम. ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा समेशन एम इक्वल टू या माइनस इन्फिनिटी ना होके ये वन टू इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड फोर की पावर इस बार क्या हो जाएगी, माइनस एम एंड जेड की पावर एम. ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी 2 की पावर n z माइनस n 2 की पावर n z माइनस n. ये हो जाएगा, इतना समझ आएगा, ये हो जाएगा. अब आगे देखो, इसको जब हम करेंगे, खोलेंगे, तो हमारा क्या बनेगा वो देखते हैं. तो मैंने क्या बनेगा, z बाय फोर प्लस z स्क्वायर बाय फोर का स्क्वायर प्लस z क्यूब बाय फोर का क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, प्लस वन प्लस टू बाय z प्लस टू का स्क्वायर बाय z स्क्वायर प्लस सो ऑन, है ना, ऐसे चलते जाएगा. ठीक है, ऐसे हमारा चलता जाएगा. इधर से मैं z बाय फोर कॉमन लेता हूँ, क्या बचा रहेगा, 1 बाय जेड बाय फोर प्लस जेड स्क्वायर बाय फोर स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 1 प्लस टू बाय जेड प्लस टू स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर एंड सो ऑन. लगभग सेम जैसे ही चल रहा है हमारा, दोनों तरफ काम हमारा सेम जैसे चल रहा है. क्या बन रही है, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए वन माइनस आर, ये हमारी जीपी का फॉर्मूला होता है. ए क्या है, 1, सो 1 डाल दो, आर क्या है, जेड बाय फोर, सो इधर जेड बाय फोर डाल दिया, Z बाय फोर ये वाला तो सेम रहेगा. हमने जो कन्वर्ट किया, हमने इतना पार्ट कन्वर्ट किया, है ना, जीपी तो हमारी ये बन रही थी, ये तो वैसे का वैसे ही आ गया. ठीक है, आगे उसमें करेंगे तो प्लस 1 बाय 1 माइनस प्लस 1 माइनस आर, 1 माइनस आर होता है ना, 1 माइनस आर, ए 1 माइनस आर, तो 1 बाय 2 बाय जेड. ये हो गया, इतना समझ आ गया सबको. अब आगे, अब इस z बाय फोर को मैं इस अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो इस z बाय फोर को जब मैं अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, z ऊपर नीचे 4 माइनस जेड प्लस z बाय जेड माइनस टू बन जाएगा, इसका z ऊपर. ठीक है, इतना आ गया. फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड एक कॉमन आंसर निकाल दो, तो दैट इज योर 4 माइनस जेड बाय जेड माइनस 2. ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कन्वर्जेंस का फॉर्मूला, ये तुम्हारा हो गया कन्वर्जेंस. अब हमें क्या निकालना था, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. उसके लिए मैं थोड़ा अगली प्रेजेंटेशन में उसकी बात करूंगा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालते किससे हुए. ठीक है, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में बताया नहीं जाएगा,
प्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, फिर बताने में परेशानी होगी, है ना। सो अगली प्रेजेंटेशन में हम इसी की बात करेंगे कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालते किस तरह, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे, है ना। सो ये मैंने तीन कंडीशन लिखी, अगर मेरा जेड जो है ग्रेटर देन ए है देन आउटर ऑफ द सर्कल होगा, देन अगर जेड लेस देन बी है देन इनर होगा, एंड अगर बी और सी के बीच में देन एन्युलर रीजन होगा, ठीक है। वैसे ये रीजन बहुत कम पूछा जाएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा टेस्ट में, एंड ऊपर वाली कंडीशन में भी हमारा यही आ रहा है, ठीक है। सो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो देखो इसमें अगर इस ऊपर वाले केस में देखिए तो z बाय फोर इज लेस देन वन, मॉड ऑफ z इज लेस देन मॉड ऑफ फोर। सेकंड केस में देखें तो z बाय टू इज लेस देन वन, इट मीन्स दैट z बाय टू, क्यों टू बाय जेड आएगा। मार्कर खत्म, मार्कर चेंज, नया मार्कर, 2/z आएगा एंड लेस देन 1 होगा, z बाय फोर 2/z लेस देन 1, तो z इज ग्रेटर देन 2। मैंने कहा था अगर लेस देन 2 होगा तो 4 के अंदर वाला रीजन होगा, तो ये 4 के अंदर वाला रीजन, ये 4 के लिए बनाया, और 2 के लिए 2 के बाहर वाला रीजन। सो ये 4 है, 4 का रेडियस है, 2 का इसके अंदर होगा, तो रीजन कौन सा कन्वर्जेंस हो गया, ये वाला 2 के बाहर 4 के अंदर। सो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप सबको ये बात समझ आई होगी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।